पिछली क्लास में हम लोगों ने अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग के डेफिनेशन, अकाउंटिंग का मीनिंग क्लियर किया था। आज हम लोग आगे चलते हैं और कुछ भी करने से पहले एक बार कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स समझ लेते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बार बार ये टर्म्स यूज होंगी और हमें लगेगा पता नहीं क्या चीजें हैं। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अक्सर हम सुनते हैं बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी क्या है? ये बिजनेस एंटिटी कुछ फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है। बिजनेस एंटिटी जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस हमारा बिजनेस एंटिटी है। हम कोई मिठाई की दुकान चला रहे हैं तो वो स्वीट शॉप, हम कोई फैक्ट्री चला रहे हैं बिग बाजार, तो बिग बाजार अपने आप में बिजनेस एंटिटी है। कोई और स्टोर है, बिजनेस का जो नाम है वो अपने आप में बिजनेस एंटिटी कहलाता है। हम उसे बिजनेस को ऐसा कहेंगे, हम बिजनेस को एक सम्मान के साथ कह देते हैं बिजनेस एंटिटी, उसको हम एक एंटिटी का दर्जा दे देते हैं। ठीक, बिजनेस एंटिटी यानी कि बिजनेस वो हमेशा अपने ओनर से, अपने मालिक से अलग होता है। बिजनेस मैन अलग है और बिजनेस एंटिटी अलग है। हम चूंकि बुक्स बना रहे हैं बिजनेस की, इसलिए हमें बिजनेस को एक नाम देना है और उसे हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी। बिजनेसमैन अलग चीज हो गई। बिजनेस कभी भी अपने बिजनेस के नाम से नहीं जाना जाता, बिजनेस कभी भी अपने बिजनेसमैन ओनर के नाम से नहीं जाना जाता, उसकी जो अपना नाम है उससे जाना जाता है और उसी को हम कहते हैं ये हमारी बिजनेस एंटिटी है, ये हमारी बिजनेस एंटिटी बन गई। ठीक, तो बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी। बस ध्यान रखिए क्या, बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज है, हम कभी दोनों को मिक्स नहीं करेंगे। हम बुक्स ऑफ अकाउंट बना रहे हैं बिजनेस की, ना कि बिजनेसमैन की, और जो बिजनेस है वो हमारा कहला रहा है बिजनेस एंटिटी। ओके, क्लियर। ट्रांजैक्शंस, अगली टर्म्स क्लियर करते हैं। ट्रांजैक्शन सीधी सी बात है, हम बिजनेस में कोई भी इवेंट करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो हमारा ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है। परचेज की, सेल किया, सैलरी दी, रेंट दिया, किसी से पैसे रिसीव हुए, किसी को पेमेंट किया, ये क्या है? ट्रांजैक्शंस, इवेंट कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही। तो ट्रांजैक्शंस यानी कि जो बिजनेस की मॉनेटरी टर्म में आप वर्किंग करते हो, उसकी क्रियाकलाप करते हो, वो सारी चीजें क्या है? ट्रांजैक्शंस। और पिछली क्लास में हमने देखा था कि सबसे पहले हमारी ट्रांजैक्शंस होती हैं और इन्हीं ट्रांजैक्शंस के बेस पे हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं। जब तक इवेंट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नहीं होगी, आप रिकॉर्डिंग किस चीज की करोगे? ठीक, तो बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं, जो भी कुछ आप काम कर रहे हो, वो सब ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कवर करते हैं, गुड्स। अक्सर हम कहते हैं गुड्स सेल किया, गुड्स परचेज किया। फ्रेंड्स ध्यान से सुनिएगा, गुड्स ऐसी चीजें, यहां से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिंक करेंगे और बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, गुड्स क्या चीज है? क्या हम गुड्स को डिफाइन कर सकते हैं? टेबल्स हैं, चेयर्स हैं, ये व्हाइट बोर्ड है, मेरे हाथ में मार्कर है, ये पेन लगाओ, क्या ये सब गुड्स हैं? ठीक, मैं यहां पे हूं, पढ़ा रहा हूं, टेबल है, चेयर्स हैं, फैन लगा है, एसी लगा है, क्या ये सब गुड्स हैं बिजनेस करने के लिए? अगर मान लीजिए मेरा ये बिजनेस है तो क्या ये सब मेरे लिए गुड्स कहलाएगा? गुड्स क्या चीज है? गुड्स के साथ अगर हम एक और चीज लिंक करके पढ़ें, एसेट, तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। बड़ा दिक्कत हो जाती है, बड़ा माइन्यूट हमें डिफरेंस कई बार हमें देखने को मिलता है गुड्स में और एसेट में, और अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्या चीज एसेट में जाएगी, क्या चीज को हम गुड्स कहेंगे। बेसिक फंडामेंटल देता हूं मैं आपको, गुड्स क्या चीज है? आपके बिजनेस की नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो हैं, आप जिस बिजनेस में डील कर रहे हो,
उस बिजनेस की जो नॉर्मल ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं वो सारी चीजें आपके लिए गुड्स हैं। जिन चीजों में आप अपना बिजनेस कर रहे हो वो जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं वो गुड्स हैं, उसके अलावा कोई चीज गुड्स नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी फर्नीचर की शॉप है तो मैं किस चीज में डील कर रहा हूं? फर्नीचर में। मेरे पास नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी क्या है? फर्नीचर खरीदना और फर्नीचर बेचना। उस केस में मेरे लिए टेबल्स, चेयर्स और सारी चीजें ये क्या होंगी? गुड्स। और अगर जैसे मैं कोचिंग दे रहा हूं तो मेरे लिए टेबल चेयर, या कोई और ऑफिस है उसमें टेबल चेयर, उसके लिए क्या वो गुड्स होंगी? नहीं, उसके लिए वो गुड्स नहीं होंगी। उसके लिए वो क्या होगा? उसके लिए वो होगी असेट, क्योंकि उसकी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट ये नहीं है कि वो फर्नीचर का लेन देन कर रहा है। तो गुड्स क्या चीज है? जिस चीज में आप नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो वो आपके लिए गुड्स है। ठीक, गुड्स को हम आगे चलते हैं तो अपने अकाउंटिंग में हम गुड्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में गुड्स वर्ड का यूज नहीं करते, ट्रांजेक्शन में गुड्स का यूज नहीं करते, बल्कि गुड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, परचेस और सेल। क्योंकि गुड्स की बात करें तो गुड्स के रेफरेंस में आप क्या करते हो? गुड्स के रेफरेंस में या तो आप गुड्स की परचेज करते हो या आप गुड्स की सेल करते हो। तो और ज्यादा क्लासिफिकेशन के लिए हमने क्या करा, गुड्स को सिर्फ गुड्स नहीं लिखा बुक्स ऑफ अकाउंट में, हम इसे लिखते हैं परचेज या सेल। यानी गुड्स को दो पार्ट में, गुड्स हमारा डिवाइड हो गया, गुड्स है तो गुड्स की परचेज है या सेल है। गुड्स दो पार्ट में डिवाइड हुआ, परचेज और सेल। अब परचेज क्या है? गुड्स को जब हम खरीद के ला रहे हैं, इनकमिंग हो रही है गुड्स की, हमारे पास आ रहा है, उसे हम कहते हैं परचेज। और गुड्स जो जा रहा है, हम उसको किसी को दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेल। तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में नॉर्मल गुड्स वर्ड, क्योंकि अगर मैं गुड्स वर्ड यूज करूंगा तो मुझे ये नहीं पता चलेगा कि गुड्स मेरे पास आया या गुड्स मेरे पास गया, तो हमने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया परचेज और सेल। अब अगर परचेज वर्ड यूज हो रहा है तो सामने वाले को पता है ये गुड्स की इनकमिंग है, ये लेके आया है। अगर मैं सेल वर्ड यूज कर रहा हूं तो इसको क्लिक हो रहा है ये गुड्स की आउटगोइंग है, इसने गुड्स को किसी को दिया है। अगर मैं सिर्फ गुड्स वर्ड यूज करता तो परचेज और सेल मेरी कवर अप नहीं होती। तो मेरे पास परचेज हो गई और मेरे पास सेल हो गई, तो गुड्स को मैंने यहां पे बांटा। तो मैंने तीन डेफिनेशन यहां पे कवर करी है आपको, गुड्स परचेज भी कवर हो गया और सेल भी कवर हो गया। हमने गुड्स भी समझ लिया, परचेज भी समझ लिया और हमने सेल्स को भी समझ लिया। क्लियर, आगे चलते हैं। इसी के साथ गुड्स से ही रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास, स्टॉक। स्टॉक इसे अगर हम हिंदी में देखें या इसके और नाम हम जानते हैं इसे, इन्वेंट्री। ठीक, स्टॉक क्या है? गुड्स का पार्ट है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, स्टॉक या इन्वेंट्री हमेशा गुड्स की होती है। इन्वेंट्री क्या चीज है? स्टॉक हमारे पीरियड, जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है, उस अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अकाउंटिंग पीरियड 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को मेरे पास जितना भी माल बचा हुआ है, जितना भी माल यानी कि गुड्स जितना भी बचा हुआ है, वो सब मेरे लिए कहलाएगा स्टॉक। ठीक, हिंदी में स्टॉक को कहते हैं रहतिया। रहतिया मतलब जो माल रह गया। तो मेरे पीरियड के एंड पे, जो भी मेरा अकाउंटिंग पीरियड है, उस पीरियड के एंड पे जो भी गुड्स, इंफेसाइज कर रहा हूं बार बार, गुड्स, जो भी गुड्स मेरे पास बचा हुआ है वो स्टॉक है। ठीक, स्टॉक भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक क्लोजिंग स्टॉक और एक ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? ईयर या कहें पीरियड, मेरे अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक बचा हुआ है, उसके लास्ट डे बिल्कुल एंड पे, वो कहलाता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग यानी एंड पे। और जब एक पीरियड एंड होगा उसके बाद अगला पीरियड शुरू होगा, तो उस अगले पीरियड की स्टार्टिंग में
जो माल जो गुड्स मेरे पास रखा हुआ था वो हो गया ओपनिंग स्टॉक। गॉट इट? अगर आपने गॉट, अगर आपके दिमाग में ये बात क्लियर हो गई तो तुरंत आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अरे यार तो क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक अगले पीरियड का ओपनिंग स्टॉक होगा, क्या ये सेम होगा? यस माय डियर फ्रेंड्स, बिल्कुल होगा। क्लोजिंग स्टॉक पिछले पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक और इस पीरियड का करंट पीरियड का ओपनिंग स्टॉक सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ईयर है वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर को रात में इवनिंग में शॉप बंद करते समय जो स्टॉक होगा वही तो 1 जनवरी को स्टार्टिंग में सुबह ओपनिंग करते समय स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट पीरियड, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द लास्ट पीरियड और ओपनिंग स्टॉक ऑफ द करंट पीरियड वो सेम होगा। ठीक, तो स्टॉक समझ में आ गया। स्टॉक क्या हुआ? जो हमारा एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड के बाद में जो हमारा बच जाता है, क्या चीज? गुड्स, नॉट एसेट। एसेट स्टॉक में रिकॉर्ड नहीं होगा, एसेट का हम बैलेंस बचाएंगे, आगे मैं डिस्कस करूंगा, एसेट का बैलेंस बचाएंगे। एसेट स्टॉक में नहीं जाता, स्टॉक सिर्फ और सिर्फ गुड्स का होगा। और मैंने बता दिया आपको गुड्स क्या होता है, वो चीजें जिसमें आप नॉर्मली अपनी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, आपकी ऑर्डिनरी बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है, वो आपके लिए गुड्स है। क्लियर? स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहां पे बार बार मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, उसे भी लगे हाँ तो क्लियर कर लेते हैं। 5 अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज है? मैं जितने पीरियड की अकाउंटिंग बना रहा हूं, मैं जितने पीरियड की अकाउंटिंग बना रहा हूं, जो मेरा अकाउंटिंग का पूरा कहां से कहां तक की अकाउंटिंग बना रहा हूं वो अकाउंटिंग पीरियड है। अकाउंटिंग पीरियड आप कुछ भी रख सकते हो, जो आपको डिजायर्ड हो वो आप अकाउंटिंग पीरियड रख सकते हो। अकाउंटिंग पीरियड मे बी 1 मंथ, अकाउंटिंग पीरियड मे बी 3 मंथ, अकाउंटिंग पीरियड मे बी ऑफ 6 मंथ, अकाउंटिंग पीरियड मे बी ऑफ ईयर, अकाउंटिंग पीरियड मे बी ऑफ 15 मंथ, मे बी ऑफ 18 मंथ। इट इज फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, इट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, कुछ भी हो सकता है, बट अकाउंटिंग पीरियड में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर ईयरली 12 मंथ के अकाउंट बना रहे हो तो हर साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जनवरी से 31 दिसंबर, यही होना चाहिए। ठीक, अकाउंटिंग पीरियड कंसिस्टेंटली फॉलो होना चाहिए, कितने भी पीरियड का हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन चूंकि आपको अपने अकाउंट्स एक्सटर्नल यूज के लिए गवर्नमेंट को भी सबमिट करने हैं और बैंक वगैरह में भी आपको प्रोजेक्ट या लोन के लिए सबमिट करने हैं, वहां पे वो लोग 12 मंथ का पीरियड, एक ईयर को अकाउंटिंग ईयर लेके चलते हैं। और आमतौर पे इंडिया में अगर हम टैक्सेशन की बात करें तो ईयर काउंट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इसलिए फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अपने अकाउंट 12 मंथ के बनाते हैं, और वो भी प्रेफरेबल रहता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अकाउंटिंग आप एक साथ करिए। क्यों? अदरवाइज अगर आप 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के अकाउंट लेके चलते हो तो आप तो अपने अकाउंट बना लोगे, बट जब भी आपको गवर्नमेंट को वो अकाउंट्स कभी देने होंगे या टैक्सेशन अथॉरिटीज को वो देने होंगे, वो कहेंगे ना हमें तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के लाओ, तो आप वापस अपने अकाउंट कन्वर्ट करोगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, तो भैया शुरू से ही क्यों नहीं बना लिए 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। तो फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम अकाउंटिंग ईयर फॉलो करते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अकाउंटिंग पीरियड क्या हुआ? आपका अकाउंटिंग करने का ड्यूरेशन, कि आप कितने पीरियड की अकाउंटिंग कर रहे हो। ओके, गॉट इट? नॉर्मली फॉलो होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, बट यू कैन यूज एनी अदर अकाउंटिंग पीरियड, कोई कंपल्सन नहीं। क्लियर हो गया? उसके बाद बड़ी कॉमन सी टर्म्स रहती है, बैलेंस शीट सुनी होगी आपने। बैलेंस शीट में हम कहते हैं कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट। एसेट यहां पे डिस्कस कर रहा था, अब यहां पे डिटेल से डिस्कस करेंगे, ये हटा देते हैं।
कैपिटल, लाइबिलिटीज और एसेट। इसका यूज हम अक्सर करते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में इधर होती है कैपिटल, ये लाइबिलिटीज और ये एसेट। और नेक्स्ट क्लासेस में जाके जब आगे की चीजें सीखेंगे तब ये बात क्लियर कर लेंगे कि इन दोनों साइड का हमारा टोटल हमेशा सेम होता है, तो हम कहते हैं बैलेंस शीट हमारी टैली होती है। कैपिटल क्या चीज है और लाइबिलिटी, जैसा कि अभी मैंने आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करा बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी जब मैं समझा रहा था तो मैंने एक चीज आपको बताई कि बिजनेस और बिजनेसमैन दो अलग अलग चीजें हैं, उसी कॉन्सेप्ट को कैरी करके मेरी कैपिटल डिफाइन हो जाती है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में बिजनेसमैन पैसा लगाता है। बिजनेस के पास पैसा कहां से आया? बिजनेस के पास पैसा आया वो बिजनेस जिसका है उसने दिए, यानी ओनर ने दिए, जो बिजनेस का ओनर था उसने पैसे दिए और बिजनेस के पास पैसा आया, बिजनेस की लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी क्या चीज है? कैपिटल से पहले चलिए लायबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। लायबिलिटी क्या चीज है? जो लायबिलिटी को हिंदी में देखें तो क्या चीज होती है? उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बिजनेस को जो भी कुछ किसी को देना है, बिजनेस के ऊपर जो भी कुछ लायबिलिटी जिम्मेदारी है किसी का है जो मुझे वापस करना है, वो सारी लायबिलिटी पार्ट है, ठीक, उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। ये बिजनेस की लायबिलिटीज हैं। कैपिटल, वापस आते हैं लायबिलिटी क्लियर करके वापस कैपिटल पे आते हैं। बिजनेस और बिजनेस का ओनर दो अलग अलग बातें। बिजनेस शुरू हुआ, पैसा किसने लगाया? ओनर ने। तो भैया बिजनेस के तरीके से सोचो तो जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया वो क्यों लगाया? कि बिजनेस कल को इसे इससे ज्यादा कमा के देगा, इसलिए लगाया। तो बिजनेस में बिजनेस के ओनर ने जो पैसा लगाया वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन गया कि ये पैसा मुझे बिजनेस के ओनर को वापस करना है, ठीक। तो कैपिटल लायबिलिटी होती है, ये बात तो समझ में आ गई कि ये लायबिलिटी बनी। बट अगर मैंने किसी आउटसाइडर से पैसा उधार लिया, मैंने 2,00,000 रुपए किसी आउटसाइडर से पैसा उधार लिया और बिजनेस में लगा लिया तो ये मेरी लायबिलिटी कहलाएगा, मुझे कल को ये पैसा वापस करना है, बिल्कुल कहलाएगा, ये मेरा लोन हो गया, ये मुझे कल को उसको वापस करना है, ये मेरी बिजनेस की लायबिलिटी हो गई। अब अगर जो ओनर का पैसा है वो भी बिजनेस को वापस करना है वो भी लायबिलिटी हो गई, वो जो आउटसाइडर का पैसा था वो भी लायबिलिटी और जो ओनर का पैसा था वो भी लायबिलिटी, ये सब रिकॉर्ड हो जाएगा लायबिलिटी पार्ट पे। तो मेरे को ये बाइफरकेशन नहीं होगा कि आउटसाइडर का पैसा कितना है और ओनर का पैसा कितना है। तो उन दोनों लायबिलिटी में डिस्टिंग्विशमेंट करने के लिए हमने जो ओनर का पैसा था उसे तो कैपिटल के नाम से रिकॉर्ड कर दिया और बाकी सारा जो लोन वगैरह का पैसा है वो सब लायबिलिटी में चला जाएगा, ठीक। अब कैपिटल को कंसाइज करते हैं, समराइज करके कैपिटल समझते हैं। सिंपल वर्ड्स में बिजनेस में बिजनेस के ओनर का जो भी कुछ लगा हुआ है वो सारा कैपिटल है, वो सारा कैपिटल है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा था कैपिटल। कैपिटल वर्ड क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, दो चीजें और समझते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, डेटर्स और क्रेडिटर्स। डेटर्स और क्रेडिटर्स, डेटर और क्रेडिटर हमारे क्रिएट होते हैं उधार क्रेडिट ट्रांजेक्शन की वजह से। जब हम कुछ सेल करते हैं, किसी को उधार माल बेचते हैं, तो जितना हमारी उधारी होती है वो लोग जिनसे हमें पैसा लेना है, वो लोग जो हमें पैसा देंगे वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। हमने गुड सेल किया, हमने आज मिस्टर वाई को गुड सेल किया 1,00,000 रुपए का, वो हमसे 30,000 रुपीज कैश ले गए, बाकी बोले मैं 2 महीने बाद दूंगा। तो 1,00,000 रुपीज में 30,000 कैश आ गया, वो तो आज ही रिकॉर्ड कर लिया, और मिस्टर वाई मेरे पास, मैं कहूंगा मेरे डेटर क्रिएट होगा 70,000 रुपीज के जो वो मुझसे उधार ले गए। तो जितनी उधार ट्रांजेक्शन है सेल की
या वो लोग जो लोग मुझे पैसा देंगे वो कहलाते हैं डेटर्स, और क्रेडिटर्स ये वो लोग हैं जिन्हें मेरे को पैसे देने, यानी मेरी लायबिलिटी है, मैं परचेज करके लाया क्रेडिट पे उधार, तो जिनसे मैं लेके आया वो मेरे क्रेडिटर्स कहलाएंगे। मैंने मिस्टर जेड से 2 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया, मुझे सारा उधार है, मेरे को मिस्टर जेड को 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो यानी कि मिस्टर जेड अब इस कंडीशन में मेरे क्रेडिटर हो गए। तो डेटर कौन लोग हैं? वो लोग जो मुझे पैसा देंगे वो मेरे लिए डेटर्स हैं, और वो लोग जिन्हें मैं पैसा दूंगा वो मुझसे पैसा लेंगे वो मेरे क्रेडिटर्स हैं। दोनों ही ट्रांजेक्शन क्रेडिट यानी उधार की वजह से क्रिएट होते हैं। ओके, अभी एक और चीज समझते हैं, ड्रॉइंग। ड्रॉइंग अभी बात करी थी कैपिटल की। कैपिटल क्या चीज है? बिजनेस का ओनर बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है वो सब कैपिटल में चला जाता है। ड्रॉइंग क्या चीज है? बिजनेस का ओनर बिजनेस में से अगर कुछ विथड्रॉ कर रहा है, बिजनेस का ओनर अगर बिजनेस में से कुछ विथड्रॉ कर रहा है किसके लिए? पर्सनल यूज के लिए। अगर बिजनेस उसके लिए कर रहा है तो भैया बिजनेस का पैसा निकाल के बिजनेस में लगा रहा है तो बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही है ना, तो वो ड्रॉइंग नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेंस है या इनकम है। बट अगर वो बिजनेस में से पैसा निकालना है पर्सनल यूज के लिए तो वो पैसे का विड्रॉ हम ड्रॉइंग के नाम से रिकॉर्ड करते हैं, उसे कहते हैं ड्रॉइंग। बिजनेस में से विड्रॉ कर लिया, दैट इज ड्रॉइंग। फॉर एग्जाम्पल, ओनर ने बिजनेस में से 50,000 रुपए निकाले और अपने बच्चे की मोटरसाइकिल ले आया। ओनर ने बिजनेस में से 50,000 रुपए निकाले और अपने बच्चे की मोटरसाइकिल ले आया, तो मैं इस मोटरसाइकिल को अपने एसेट की तरह रिकॉर्ड नहीं करूंगा क्योंकि ये बिजनेस की एसेट नहीं है, ये उसकी पर्सनल एसेट है, वो अपने बच्चे के लिए लाया। मैं इस 50,000 रुपए को अपने बिजनेस में ड्रॉइंग की तरह इस्तेमाल करूंगा क्योंकि वो पैसा लेके मोटरसाइकिल लाया, क्या लाया मुझे नहीं मतलब, मुझे बिजनेस को इतना मतलब है कि बिजनेस के ओनर ने बिजनेस के मालिक ने बिजनेस में से 50,000 रुपए निकाल लिए और बिजनेस में नहीं लगाए, तो मैं तो ओनर के नाम डाल दूंगा कि ये पैसा ओनर ने निकाला, ये पैसा कहलाएगा मेरा ड्रॉइंग, मैं इसे बिजनेस में ड्रॉइंग की तरह रिकॉर्ड करूंगा। बात चला, तो ये हो गई मेरी ड्रॉइंग। इसके अलावा बड़ी छोटी छोटी सी टर्म्स रहती है, एक्सपेंसेस और इनकम, वो तो हम सब समझते हैं। एक्सपेंसेस यानी खर्चा, बिजनेस के खर्चे, जो भी कुछ बिजनेस के खर्चे, पर्सनल खर्चे कभी बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे, जो भी कुछ बिजनेस के खर्चे हैं वो सारे एक्सपेंस का पार्ट है, पीएनएल अकाउंट में चले रहेंगे। जो भी कुछ बिजनेस में आ रहा है रेवेन्यू, कमाई का पार्ट है, वो सारा हमारा इनकम कहलाएगा। इनकम बिजनेस में जो भी कुछ आ रहा है, बिजनेस में, बिजनेस से रिलेशन में जो भी कुछ आ रहा है वो इनकम है। ठीक, तो एक्सपेंस और इनकम तो बड़ी कॉमन सी टर्म है, हम वैसे भी समझते हैं। से हम बिजनेस के गुड्स की जो भी कुछ बाहर देते हैं वो सेल, हमने पहले भी डिस्कस करा, परचेज और सेल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक सी टर्म्स थी जो हमें, कुछ भी आगे पढ़ेंगे तो ये बार बार अकाउंटिंग टर्म्स काम आएगी। ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट सी टर्म्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली। इसके आगे भी जब आगे के टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो फ्रेंड्स अगर कोई और अकाउंटिंग टर्म आएगी तो उसे वहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी था, ये कर लिया। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं और आगे के लेक्चर्स में हम कुछ बेसिक बिजनेस प्रिंसिपल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स।